वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश पंडित को निलंबन पर प्रतिक्रिया रखिछन्ति मानवाधिकार कर्मी जयंत दास। महिला इन्स्पेक्टर को घरे पशी दुर्व्यवहार घटना रे जातीय मानवाधिकार कमिशन को निकट में अभियोग करिथिले जयंत दास। यापर आज पंडित राजेश उत्तम राव को विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने सहित तांकु निलंबित करा जायछि। सतैश सात 2024 रे प्राय राति 10टा टू 11टा भितर हबो जणे सीनियर आईपीएस अफिसर तांको ना हला डीआईजी पंडित राजेश उत्तम राव जे के फायर सर्विस डिपार्टमेंट रे कार्यरत से मद पी जणे इन्स्पेक्टर लेडी इन्स्पेक्टर जे कि ई ओ डब्ल्यू सीबीसीआईटि रे भुवनेश्वर रे से कार्यरत तांको क्वार्टर मध्ये जोर जबरदस्ती पशी से इन्स्पेक्टर को टणा उटार करते बहुत करने बाध्य करुले समय जो स्वामी से घर पहुँचीगले से इनसीडेट होता बेले सागे तो बचछा है से आक्रमण करते आक्रमण करा मुह कान सब फाटी जाता है और सी रक्ताक्त होते तेणु यहीटा सप्रेस दबे देवाई का जो एसीपी हूँ आईएसी कैपिटल थाना हूँ एम सब बहुत चेष्टा कर बर्तमान सुधा से हस्बैंड जी से बर्तमान गोटे प्राइवेट हस्पिटाल एडमिट होती ताकु मध्ये एफआईआर करबाकु दिया जाउ नाही। ए परिक्र मु जर गोटे न्यूज पाइली मु विषय नेशनल ह्यूमन कमिशन गोटे केस फाइल करी तादर मु कौन प्रकार कंपनसेशन पर प्रेयर करी नाही बर प्रेयर करी जे एनएच चासी निजर गोटे टीम ओडिशा को पठाऊ तार से एनएच चासी टीम ही से एटा इन्वेस्टिगेशन कारण एटा हाई प्रोफाइल केस जेतु गोटे डीआईजी यादर एक्यूज अछंती इन्वॉल्व अछंती तेणु ओडिशा रे हाइदर क्राइम ब्रांच हो कि अन्य पुलिस हो केबे भी से इन्स्पेक्टर को न्याय दे पारे ना।